हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एरिना ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम से जुड़े हुए कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा, सर सीएसए की सीआईएसएफ में पहले पीएसटी हुआ था तो क्या इसमें भी पहले पीएसटी होगा या रिटर्न एग्जाम होगा? अगर रिटर्न एग्जाम होगा तो कब होगा? तो ये सारी क्वेरी मैं उसकी लेने वाला हूँ इस वीडियो में। या फिर सिर्फ इसमें पीएसटी होगा, पीटी नहीं होगा? अगर पीएसटी पीटी होगा तो उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा? तो दोस्तों, जिन बच्चों ने भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक ही वीडियो में सारे डाउट आपके लेने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बराबर सारी अपडेट मिलती रहे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको सारी अपडेट मिलेगी, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो या बैंक से रिलेटेड हो या आरआरबी रेलवे से रिलेटेड हो या फिर बीएसएफ या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल से रिलेटेड, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, चाहे वो एग्जाम से हो या कोई भी नई नोटिफिकेशन या नई कोई भी अपडेट हो, सब कुछ आपको बराबर मिलती रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है आगे वीडियो में। तो दोस्तों, ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की 1072 वैकेंसीज आई हुई थी, तो ये दो पोस्टों पे उन्होंने रिक्रूटमेंट लेना है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए और रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए। दोस्तों, जो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है वो bsf.nic.in है, तो इस पर आप विजिट करते रहिए क्योंकि कभी भी बीएसएफ की अपडेट आती है, चाहे वो आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था कि फॉर्म फिल करने का, वो सब तो एंड हो चुका है, अब इसके एग्ज़ाम की बारी आई है। तो जो आपका एडमिट कार्ड है 10 से 15 दिन पहले आएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, और आपका जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम होना है वो होना है 28 जुलाई 2019, मतलब इसी महीने की 28 तारीख को आपका फर्स्ट फेज़ का इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद पीएसटी और पीटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सेकंड। सबसे पहले इसमें क्या है, आपका रिटर्न एग्ज़ाम है जो कि OMR 20 सीट पर होगा, और पीएसटी और पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि सेकंड फेज़ का है वो आपका 9/10/2019, ठीक है। तो 9 अक्टूबर को आपका होगा सेकंड फेज़ का, और थर्ड फेज़ का जो जिसमें होना है आपका वो है जनवरी में होगा, 30 जनवरी 2000। ये एक उन्होंने डेट अभी दे रखी है, आप इसको टेंटेटिव मानिए जब तक कोई फाइनल नोटिस आपके पास नहीं आता। देखिए, जो वैकेंसी से रिलेटेड कि बीएसएफ की वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो टोटल देखिए 1072 वैकेंसीज़ हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए, तो ये इसमें 300 और 722 रिस्पेक्टिवली इन्हीं के तरीके हैं। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है सैलरी, कि भैया सैलरी कितनी रहेगी। देखिए, 2019 के अभी पे स्केल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोनों के लिए उन्होंने जो लेवल 4 की पे मैट्रिक्स के हिसाब से बताया है, 25,500 से लेके 21,100 का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा आपकी सैलरी का, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए और रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जानना चाहेंगे कि हमारी सैलरी कितनी रहती है। देखिए, जो एग्ज़ाम आया था एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, उसमें 18 से 25 ईयर्स के बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और रेस्ट जो आपका एज रिलैक्सेशन था एज़ पर द गवर्नमेंट रूल था। और जिन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगी थी, वो मांगी थी कि आपका 12th इक्विवेलेंट हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अगर आपकी 12th हो, या फिर अगर आपने 10th किया और 2 साल का ITI में रेडियो टेलीविज़न में आपका कुछ भी डिप्लोमा है, या तो उसके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें है, स्टेज वन का जो एग्ज़ाम होना है वो रिटर्न टेस्ट है, मतलब देखिए आपका पहला क्वेरी मैंने क्लियर किया कि पहले पीएसटी होगा या रिटर्न होगा, तो जी हाँ दोस्तों, पहले इसमें रिटर्न एग्ज़ाम है, पहले कोई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। देखिए, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में सिर्फ और सिर्फ पीएसटी था, जिसमें कोई रनिंग, कोई लॉन्ग जंप ये सब नहीं था, बट दोस्तों देखिए इसमें आपका मेजरमेंट तो है ही, साथ साथ फिजिकल भी इसमें है, और फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। फाइनल जो थर्ड स्टेट है वो होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में, सबसे पहले पीएसटी में क्या है। देखिए, पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड, जैसा अभी जो बच्चे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का देके आए हैं वो लोग तो जानते ही होंगे, अगर हम चेस्ट की बात करें तो वहाँ पे 77 मिनिमम मांगा था, बट यहाँ मेल के लिए उन्होंने 80 से 85, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा है चेस्ट में, ठीक है। और हाइट आपकी मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर फीमेल है तो चेस्ट तो नॉट अप्लीकेबल होगा, बट हाइट उन्होंने 157 सेंटीमीटर मांगा है, जो कि सीआईएसएफ में 155 सेंटीमीटर मांगी थी, तो यहाँ पर 157 है और मेल के लिए 158 सेंटीमीटर रखी गई है। तो दोस्तों, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में रहेगा, और वहाँ पर पीटी नहीं था, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में कोई पीटी नहीं था, बट यहाँ पर पीटी भी है, तो दोस्तों ये टफ रहने वाला है। देखिए, इन्होंने रखा हुआ है कि अगर रेस के बारे में बात करें तो रेस का इन्होंने बोला कि आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है,
6.5 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है। 6.5 मिनट्स में आपको दौड़ना है 1.6 किलोमीटर, और फीमेल के लिए 800 मीटर उन्होंने रखा है 4 मिनट में, ठीक है दोस्तों। और इसमें लॉन्ग जंप भी है, लॉन्ग जंप 3.6 मीटर आपकी मिनिमम होनी चाहिए, 3 चांस में आपको करना है, ठीक है। आपको 3 चांस दिया जाएगा, आपको 3.6 मीटर करना है अगर आप मेल हैं, और फीमेल है तो 9 फिट 3 इंच आपको करना है, ठीक है। 3 चांस में आपको 9 फुट कूदना है। यहाँ पर दिया है हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांसेस में, और फीमेल के लिए 3 फिट दिया है 3 चांस में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस, ये पीटी में आ गया। पीटी के बारे में बता दिया और पीएसटी के बारे में बता दिया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, मतलब दोनों इसमें होना है दोस्तों, जो कि सीआईएसएफ में पीटी नहीं था, सिर्फ पीएसटी था। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लें दोस्तों। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न मोर ऑर लेस सबका सेम होता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस इसलिए है कि देखिए इन्होंने फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री इन तीनों पे ज़्यादा फोकस किया है। इन तीनों से देखिए फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 20, केमिस्ट्री से 20, और मार्क्स 80 मार्क्स का ये रहेगा फिजिक्स का सेक्शन, मैथ का 40 मार्क्स, केमिस्ट्री का 20 मार्क्स। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश और जीके का जो इन्होंने रखा है वो 20 क्वेश्चन रखे हैं दोनों को मिला करके, और 40 मार्क्स का, मतलब जीके और इंग्लिश का पोर्शन कम है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का पूरा पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स का। देखिए सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल में नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई नहीं बताया था, बट यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 मार्क्स इन्होंने डिडक्शन रखा है नेगेटिव मार्किंग का, और मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रखा है, मतलब अगर आपको 100 में 38 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, या 38% बताया है। SC ST कैटेगरी के लिए उन्होंने 33% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के उन्होंने बताया कि देखिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस है वो 10+2 लेवल का है, ठीक है। तो 10+2 लेवल का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री में पूछा जाता है तो वो सारा लेवल रहेगा, जो भी CBSE पैटर्न या अदर स्टेट एग्जाम बोर्ड का है वही फॉलो किया जाएगा, और जो GK इंग्लिश का है एज़ यूजुअल जो GK करंट अफेयर्स या स्टैटिक GK है वो सब आता है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी से जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हम बात करें फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज है, इंग्लिश और GK का उसके कंपैरिजन में कम है। और रही बात एडमिट कार्ड की दोस्तों, अभी पहला एग्ज़ाम होने वाला है इनका, ठीक है, स्टेज 1 मतलब रिटर्न एग्ज़ाम होगा, तो आपके एडमिट कार्ड 10 से 15 दिन पहले आ जाएंगे। अभी देखिए 28 तारीख है, ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम होना है वो 28 जुलाई को होना है पहला इसका, ठीक। तो स्टेज 1 का एग्ज़ाम आपका 28 जुलाई को होना है, तो उससे 10 से 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो इसके लिए आप रेगुलरली BSF.NIC.IN पे रेगुलर विजिट करते रहिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दिए, ताकि कोई भी अपडेट आती है आपका एडमिट कार्ड ही आता है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और जिन लोगों को फ़ायदा हुआ प्लीज़ आप लोग बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।